तो आज का क्वेश्चन है क्लास 9 का मैथ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल थ्योरम 8.5। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल है और हमें प्रूव करना है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो चलिए प्रूव करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होगा ना। तो हम यहाँ से ये ले सकते हैं जो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है तो टू टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस टू टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो वो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाय टू इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम ऐसे ही एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है जो कि हम यहाँ पे प्रूव किए हैं। अब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है तो ये ट्रांसवर्स, ये दो पैरेलल लाइन हो गया और ये ए बी ट्रांसवर्सल और डी ए और सी बी एक पैरेलल लाइन है क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है तो ये को इंटीरियर एंगल हो सकता है, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर, अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देन टू लाइन इज अ पैरेलल, मीन्स डी ए ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह एंगल सी प्लस एंगल डी वो भी 180 डिग्री होगा, वो भी को इंटीरियर। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं जो ए डी पैरेलल है सी बी के। अब हमें यह प्रूव करना है जो डी सी पैरेलल है ए बी के, अब हमें यह प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, इस तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गया, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से अब हम ये भी ले सकते हैं जो डी सी पैरेलल टू ए बी, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। थैंक यू।